दमोह में उपचुनाव की वोटिंग के बाद तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण ने हालात भयावह कर दिए हैं और जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हिलाकर रख देने वाली हैं। बेकाबू हो रहे हालातों के बीच अब आम आदमी लूटमार पर आमादा है, तो इन हालातों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ काम बंद करने की धमकी दे रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, रात के वक्त ऑक्सीजन स्टोर रूम से मरीजों के रिश्तेदार कैसे सिलेंडर लूट रहे हैं। ये आलम दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का है, जहां कोविड के मरीज लबालब भरे पड़े हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के रिश्तेदार ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रहे हैं। बीते दो दिनों से जिला अस्पताल से सिलेंडर लूटने की ऐसी ही कई और घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होने पर आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों की जान पर आफत बन सकती है। मंगलवार की देर रात यहां ऐसी ही लूटमार हुई और तीमारदारों ने पैरामेडिकल स्टाफ से बदसलूकी की और स्टाफ और डॉक्टरों ने जिसके बाद काम करना बंद कर दिया। लेकिन बाद में हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन बाद में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने मानवता का परिचय देते हुए कुछ मिनटों बाद ही फिर से काम शुरू कर दिया। मौके पर अस्पताल की सिविल सर्जन और CMHO को आना पड़ा। कानपुर के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। कमेटी को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मीडिया में खबरों के मुताबिक यूपी पुलिस के खिलाफ कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है जो ये कह सके कि पुलिस गलत कह रही थी। 8 महीनों की जांच के बाद रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, यानी विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में पूर्व DGP KL गुप्ता और हाई कोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल की कमेटी बनाई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बहुत से लोगों ने फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाने का गोरखधंधा शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है, जहां कृष्णगिरी पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के धंधे में लगा हुआ था। ये शख्स पिछले 6 महीने से रेल बस ट्रेन के टिकट का काम कर रहा था। इसने लोगों की जरूरत को देखते हुए फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने का काम भी शुरू कर दिया। तमिलनाडु में इंटरस्टेट यात्रियों के लिए ई पास बनवाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए कोरोना रिपोर्ट का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। बस इसी के चलते ये चंद पैसों के लालच में आकर काला धंधा कर रहा था। फिलहाल बरगुल पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर समुद्री तट बायरन बे के स्थानीय लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान 100 से ज्यादा सर्फर समुद्र में उतरे और कैंसिल का सिंबल लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारी नेटफ्लिक्स के एक रियलिटी सीरीज का विरोध कर रहे हैं जो इस मशहूर टूरिस्ट प्लेस बायरन बे पर फिल्माया जा रहा है। नाराज लोगों का आरोप है कि इस टीवी सीरीज से बीच की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। बायरन बे के कई व्यापारियों ने भी सीरीज बनाने के परमिट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जिनकी इजाजत के बिना यहां फिल्म की शूटिंग संभव नहीं है। अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी डेरिक चौविन को हत्या का दोषी करार दिया है। वॉशिंगटन की हेनोपिन काउंटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जूरी ने डेरिक को दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या, तीसरे दर्जे की हत्या और दूसरे दर्जे की निर्मम हत्या का दोषी माना है। अमेरिकी कानून के मुताबिक दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या में अधिकतम 40 साल की सजा तो तीसरे दर्जे की हत्या में 25 साल की सजा और दूसरे दर्जे की निर्मम हत्या में 10 साल की सजा या $20,000 जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अदालत की जूरी में 6 श्वेत लोग और 6 अश्वेत लोग शामिल थे। लगभग पूरे दिन चले बहस में अभियोजन पक्ष का तर्क था कि पिछले साल मई में चौविन ने फ्लॉयड के जीवन को इस तरह से छीन लिया कि एक बच्चा भी जानता है कि वो तरीका गलत था। हालांकि बचाव पक्ष ने यह दावा किया था कि सेवा से बर्खास्त किए जा चुके श्वेत अधिकारी ने उचित कार्रवाई की थी और 46 साल के फ्लॉयड की हृदय संबंधी बीमारी और नशीली दवाओं के अवैध इस्तेमाल से मौत हुई थी। अदालत के फैसले का राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा, यह फैसला जॉर्ज को वापस तो नहीं ला सकता,
लेकिन इससे हमें पता चलेगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। उसके आखिरी शब्द थे, मैं सांस नहीं ले सकता। हम इन शब्दों को मरने नहीं दे सकते, हमें इन्हें सुनना होगा, हम इससे भाग नहीं सकते। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।